हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए HDFC का छोटा बैंक। यहाँ पे हम HDFC बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा बैंक है जिसमें HDFC की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। आज की डेट में अगर आप देखें तो IPO वाले प्राइस पे अवेलेबल है ये शेयर। अब आपको हो गया IPO वाले प्राइस पे, मतलब जब इस स्टॉक का IPO आया था जिस प्राइसिंग पे ये था उसी प्राइसिंग पे फिर से आ चुका है। क्या इन्वेस्टमेंट का मौका है, ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए और आगे का फ्यूचर भी स्टॉक अगर आप देखें तभी आपको पता लगेगा कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। अगर कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। देखिए वीडियो को आखिरी तक। फिलहाल मैं आपको ले जा रहा हूँ इस वीडियो के ऊपर, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और आपने अब तक डीमैट अकाउंट ही नहीं ओपन किया तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर पाओगे। अब सीधे लेके चल रहा हूं आपको स्टॉक की तरफ, जरा देखें और समझे। जी हाँ, यहां पे बात हो रही है बंधन बैंक की। बंधन बैंक यानी कि ग्रू फाइनेंस के साथ एक्सचेंज जब हुआ HDFC और इसके बीच में, तो दोनों ने यानी कि HDFC के पास अगर आप आज की डेट में देखोगे तो बंधन बैंक के 10% से ऊपर के, ऑलमोस्ट 10% के आसपास के शेयर जो है अवेलेबल है। मतलब बंधन बैंक में HDFC की 10% की हिस्सेदारी। अब आपको हो गया, ये तो अच्छी बात है। अब जब मार्केट में ये आया था तो 370-375 का प्राइस रखा गया था, बहुत ही बढ़िया बात भाई। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 2 साल पहले की बात है जब ये मार्केट में आया था। और वहाँ पे आपने देखा कि 40 शेयर का एक लॉट था, बहुत लोगों ने खरीदा होगा, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इसे मिला नहीं था, रिटेल तो एक गुना ही सब्सक्राइब हुआ था। बट यहाँ पे अगर IPO में एंट्री की बात करें तो सीधे सीधे 100 रुपये से ऊपर का जंप यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिला था, अच्छी बात है। लेकिन IPO के टाइम पर जो मुझे खास बात यहाँ पर अच्छी लगी स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया इसकी थी। देखिए कभी अगर मैं बात करूं, देखिए 275 करोड़ का प्रॉफिट था 2016 में, 2017 में देखिए ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की डेट में तो चलिए इसका नाम HDFC से जुड़ गया, HDFC की हिस्सेदारी यहाँ पे आ गई, बट उसके अलावा भी मैं जो देख पा रहा हूँ इसकी चीज़ें वो देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। 60,000-61,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि शेयर को छोटा नहीं बल्कि ब्लू चिप शेयर में कन्वर्ट कर देता है। पी रेशियो हर 20 रुपये पे 1 रुपये कमा के दे रहा है, नो डाउट अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग जो कि अब जाके 61% के आसपास आई है, यानी कि बंधन फाइनेंशियल जो इसका मेन प्रमोटर है वो पहले उसकी होल्डिंग ज़्यादा थी, बट RBI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको धीरे धीरे अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम करनी थी, तो इसीलिए उसने यहाँ पे शेयर होल्डिंग HDFC को बेचा और अभी भी आगे आने वाले टाइम पे वो बेच रहा है अपने शेयर्स। बट IPO का प्राइस जो है वो 375 का है, इस चीज़ को ध्यान रखें, IPO का प्राइस 375 का और स्टॉक अभी के टाइम पे उसी की रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अभी हम टेक्निकल पे भी जाएंगे, और ऐसा नहीं कि स्टॉक गिर रहा है तो गिरते हुए उसको खरीद लो, गिरते हुए स्टॉक को कभी नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, गिरने के बाद जब पॉजिटिविटी आती है उस पॉजिटिविटी को देखो समझो और फिर जाके उसमें एंट्री लेने का मौका होता है। अब दूसरी अच्छी बात इस बैंक की मुझे ये लगी कि अभी के टाइम पे जो इसको जो RBI की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो हटी हैं, उसकी वजह से ये 250 बैंकिंग आउटलेट्स खोलने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में। अब आप सोचिए कि 250 बैंकिंग आउटलेट जब ये खोलेगा तो जरूरी है यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे, तो ये पॉजिटिव बातें इसके बारे में हैं जो कि अभी रिसेंटली आई है। खबर रिलैक्सेशन दिया है RBI ने बंधन बैंक को, अभी अपनी ब्रांचेस खोल सकता है और यहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग सेंटर यानी कि DSC भी अगले एक महीने में खोलने की कोशिश करेगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ जो इसमें एक अच्छी बात के अलावा जो बुरी बात है कि यहाँ पे जो रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग जो है 40% तक लेके आनी है, जो कि अभी 60% है, यानी कि मतलब और भी यहाँ पे हिस्सेदारी बिकेगी, जो बंधन फाइनेंशियल बंधन बैंक के वह अपनी हिस्सेदारी है उसको बेचेगा, तो ये एक जो है एक मैं कहूँगा कि एक काइंड ऑफ नेगेटिविटी है कि अभी और बेचेगा तो क्या पता गिर सकता है। लेकिन स्टिल अभी देखिए IPO के प्राइस के आसपास है, अगर बेचेगा तो इससे ऊपर ही बेचने की कोशिश करेगा। और 1100 ब्रांचेज अभी तक इस बैंक के हैं और 3084 डोर स्टेप बैंकिंग सेंटर यानी कि DSC जो मैं कह रहा था डोर स्टेप बैंकिंग सेंटर इसके हैं, बहुत ही अच्छी बात है भाई। ये दिसंबर 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग ये नंबर आ रहा है और अभी के डेट में अभी इसने 23 बैंक ब्रांचेज और 70 DSCs खोले हुए हैं। अब इस तरीके से ये लगातार बढ़ते जाएगा, अब इसका मर्जर भी हो गया ग्रू फाइनेंस के साथ, तो ग्रू फाइनेंस के साथ जब मर्जर हुआ है तो यहाँ पे एक एज, क्योंकि ग्रू फाइनेंस एक बहुत अच्छा एसेट था किसके लिए, HDFC के लिए, अब ये इसको भी एक फायदा हो गया भाई, ये होम फाइनेंस की दुनिया में भी आ गया है,
तो कहीं ना कहीं अगर आप ओवरऑल देखो तो ये बंधन बैंक एक पॉजिटिव वे में दिख रहा है आंकड़ों के हिसाब से, न्यूज़ के हिसाब से, पर टेक्निकल क्या कह रहे हैं, टेक्निकल भी जानना समझना बहुत जरूरी है। टेक्निकल जो कह रहे हैं उसको समझते हैं, क्योंकि मार्केट में बड़ी गिरावट है और इस टाइम पे मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट है, इस टाइम पे 64% की डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और थोड़ा सा नज़र रखने वाला ये शेयर अभी के टाइम पे है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक एक करके, देखिए लेके जा रहा हूँ आपको, ये मंथली चार्ट है। अब जरा मंथली चार्ट को देखें और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हर बार मैं आपको डिटेल में इसलिए बताता हूँ, जब मैं मार्केट में आया था तो सीधे 470 480 के आसपास एंट्री करी थी, लेकिन जो प्राइस एलोकेट हुआ था वो 370 375 के आसपास का ये वाला प्राइस इसका था। अब स्टॉक में पॉजिटिविटी आती है, 4 महीने कंसोलिडेशन होता है, फिर जाके एक पीक बनता है, और पीक बनने के बाद इस मंथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक बियरिश ज्वाइंट देखने को मिला है मंथली चार्ट में। उसके बाद स्टॉक किस तरीके से नीचे गिरा वो आपने भी देखा, अक्टूबर 2018 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के लिए बहुत ही गिरावट वाला साल, और वापस शेयर उसी लेवल पे आ गया अपने आईपीओ के प्राइस के आसपास। ये ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आईपीओ के प्राइस पे आके इसको कितना स्ट्रांग सपोर्ट मिला, स्टॉक फिर से जंप लिया, धीरे धीरे करके वापस जाने की कोशिश करी। यहाँ पे इस कैंडल को आप देख सकते हो कि क्या कैंडल थी, ये कैंडल जो है ये फिर से इसी तरीके की कैंडल बनी है जो अगस्त 2018 में बनी थी, फिर से सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल बनी और स्टॉक में करेक्शन आता है और स्टॉक फिर से नीचे जाता है, फिर अपसाइड मोमेंटम होता है, प्राइस रिजेक्ट होके पिछले 4 महीनों से ये लगातार गिरते हुए अब जाके फिर से वही प्राइस पे आ गया जहाँ पे ये 370 के प्राइस पे, जहाँ पे ये 2 बार ऑलरेडी यानी कि आईपीओ का टाइम पर अक्टूबर 2018 के टाइम पे आया था। क्या स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा, अब भी क्वेश्चन होता है कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ पे क्या पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। जब भी हम देखते हैं कोई भी स्टॉक किसी लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास अगर जाता है, जरा देखें समझने की कोशिश कीजिए इस पॉइंट को, जब कोई भी स्टॉक किसी लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास जाता है या तो यहाँ से बाउंस बैक होता है या तो यहाँ से फिर काफ़ी नीचे गिर के जाता है। और जिस तरीके से बंधन बैंक में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और वो भी सपोर्ट के पास जाते टाइम पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है आरबीआई की तरफ से, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पॉजिटिव न्यूज़ उसी टाइम पे क्यों आ रही है जब स्टॉक सपोर्ट के आसपास गया है। अब आप क्लियरली देखिए यहाँ पे कि वीकली चार्ट पे आप देख पा रहे हो ये वही जोन है, ये वही सपोर्ट जोन है जहाँ पे 2018 अक्टूबर के टाइम पे शेयर गिर के गया था। अब बात आती है कि इतने बॉटम पे इसको खरीदना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा सा इन द सेंस 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ दिन कुछ पॉजिटिव आपको टेक्निकल पे देखने को मिले तब खरीदना चाहिए। अदरवाइज अगर ये सपोर्ट टूटता है 360 से 70 की जो रेंज है ये टूटती है तो ये स्टॉक और भी नीचे जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखें और समझें। जनरली क्या होता है कि लोग देखते हैं कि यार स्टॉक में सस्ते में मिल रहा खरीद लेना चाहिए, और मेरा मानना है कि अगर आप टेक्निकल को देखोगे तो जितने भी स्टॉक आपको, चाहे वो यस बैंक की बात करो चाहे वो आप टाटा मोटर्स की बात करो, जब स्टॉक गिरते हैं तो गिरते रहते हैं, और जब कोई उसमें माल बेच रहा है तो इसका मतलब देखिए स्टॉक में कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा होगा जो वो नीचे गिर रहा है, जैसे प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं, तो कई चीज़ें इसमें भी हैं। तो आपको जब भी शेयर खरीदना है थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखे तभी आपको शेयर खरीदना है, कुछ भी टाइप की पॉजिटिविटी, जैसे वीकली पे तक वो आना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली डेली का देख के आप खरीद लो। ऑल दो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, नो डाउट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो खरीदना तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको जरूर देखनी चाहिए मेरा मानना है। यानी कि पॉजिटिविटी से हमारा मानना है जब ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल कब होता है, जब हमको क्या मिलता है हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, चाहे हम उसको डेली पे देखें वीकली पे देखें, तो थोड़ा सा हमको ये पॉजिटिविटी जरूर देखनी चाहिए। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ इसी स्टॉक में, देखिए डेली चार्ट पे, अगर डेली चार्ट के अलावा जैसे आप पीक पे देख रहे हो ट्रेंड रिवर्सल की बात करते हैं हम, तो देखिए ये कैंडल, ये जो आपकी इंडिसीजन वाली कैंडल है सेंटर कैंडल है, और ये आपका बुलिश, मैं बुलिश नहीं कहूंगा, मैं बियरिश जॉइंट बना के आपको दे रही है, तो ये आपके पास देखिए यहाँ पे सेलिंग का मौका है। इसी तरीके से इस जॉइंट को आप देख सकते हो, ये बियरिश जॉइंट और सिमिलर काइंड ऑफ जॉइंट ये था, देखिए बड़ी बड़ी अपर शेडोज वो भी लंबी लंबी, इसका मतलब प्राइस इज गेटिंग रिजेक्टेड, और कहीं पर भी देखिए आप ये क्लियर कट निशानी है कि प्राइस आपका रिजेक्ट हो रहा है, शेयर काफ़ी नीचे गिर सकता है। और ये देखिए, और इसके बाद भी ये नहीं कि आपको सीधे ही इसके बाद, आप इसके बाद की कैंडल्स को भी देखिए, जैसे ये चार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका प्राइस रिजेक्ट हुआ बट आपको ये सीधे खरीदारी का मौका नहीं दे रहा वीकली पे, और जैसे कि हम कहते हैं कि जब भी हमारी ये चीज़ होती है हमको कभी भी खरीदारी करनी है तो इस जॉइंट के पीक पे आके खरीद, पीक के बाद खरीदारी करनी है, और आप देखिए इसके बाद कभी इसका पीक जो है पार ही नहीं हुआ, इट मीन्स स्टॉक में जो है आपका गिरावट का सीजन पूरा का पूरा था। और अभी के टाइम फ्रेम भी आप देखिए 383 के पास शेयर पहुंच चुका है। अब मैं आपको डेली के चार्ट पे ले जाऊंगा तो वो हमें पिक्चर और क्लियर कर देगा। देखिए ये वीकली है, अब ये मंथली है, अब देखिए वीकली मंथली डेली,
अब डेली पे आप देख रहे हो, हाँ एक पॉजिटिव वे में जरा ज्वाइंट कैंडल बनती हुई दिखी है, बट मुझे लगता है कि डेली पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे कि डेली से सीधे पॉजिटिविटी है और शेयर यहाँ तक गया है। एज अ स्विंग ट्रेडर आप इसमें एंट्री ले सकते हो कि हाँ मेरा ये ज्वाइंट जब पार होगा, 390 का लेवल पार होगा, मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है जाऊंगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग पे जाने के बाद भी मैं इस तरीके से जब मुझे बियरिश ज्वाइंट देखने को मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा। ये आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको लंबे टर्म के लिए इन्वेस्ट होना है तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पे जरूर देखनी चाहिए। तो ये अपडेट थी यहाँ पे बंधन बैंक की। बंधन बैंक में गिरावट जरूर आ रही है, अपने आईपीओ वाले प्राइस पर जरूर मिल रहा है, बट आपको यहाँ पे सीधे एंट्री नहीं लेनी है। मैं वही कहूंगा कि गिरती हुई मार्केट में एंट्री लेना मतलब वही है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखे तभी आपको एंट्री लेनी है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।